हेलो दोस्तों, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम कुकर में नए तरीके से चोखा और बाटी दोनों चीज़ बना के दिखाएंगे बारी बारी से। ये दो बैंगन लिया, टमाटर, आलू, धनिया, मिर्चा, अदरक। अब हम देखिए किस तरीके से बनाते हैं कुकर में। ये देखिए दोस्तों, मैंने आलू इस बड़ी बड़ी पीस में काट रही हूँ। कट गया है बैंगन को छीलेंगे इस तरह से। देखिए हम बैंगन भी कट कर रहे हैं। इसको भी हमको धुलना है। टमाटर को अलग काटेंगे। टमाटर हम पहले से धुले हुए हैं तो इसको अलग काटेंगे। ये हम कुकर रख के गैस पे ऑन कर दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा गर्म हो जाए। ये देखिए बैंगन और आलू अच्छे से धुल के तैयार है। इस तरफ टमाटर सब एक ही साइज के कटे हुए हैं। ये देखिए लगभग हम एक ही चम्मच तेल डाल रहे हैं और अभी बाद में डालेंगे। इसमें हम आलू बैंगन डाल रहे हैं। अब टमाटर डालेंगे। इसको मिला लेंगे। अभी देखिए कुकर को बंद कर दिए। अब गैस हम ऑन कर देंगे। ऑन करके दो सीटी लगाएंगे इसमें, धीमा करके एकदम से दो सीटी लगाना है। हाँ देखिए, हम दो सीटी धीमा गैस करके रखे थे, दो सीटी लग गई है। अभी अच्छी तरीके से पक गया है। अब हम इसमें हल्का सा तेल गरम करेंगे। तेल डाल दिए ऊपर से। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, प्याज, हरी मिर्च, ये धनिया है, अब हम इसमें अदरक थोड़ा सा घिस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सब चीज़ मिला दिए हैं। अब इसमें नमक मिलाना है। नमक भी मिल गया है। अब इसको हम फेंटेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। अब ये देखिए अच्छी तरीके से हम इसको मिला दिए हैं कैचुल से। अब इसको हम निकालेंगे। ये मेरा चोखा बन के रेडी है। हम कुकर को धुलेंगे तो इसमें बाटी तैयार करेंगे।
ये देखिए हम जीरा को भूंज रहे हैं बाटी का चूरमा बनाने के लिए। ये देखिए हमारा जीरा भूज के तैयार हो गया है। अब इसको हम सिल पे पीसेंगे। ये दो मिर्चा है, जीरा, धनिया, लहसुन। पहले हम बेसन को फ्राई कर लेते हैं घी में थोड़ा सा। ये हमने देसी घी लिया है 2 चम्मच। अब बेसन को डाल रहे हैं। ये देखिए धीमी आंच में हम बेसन को अच्छे तरीके से भूंज लिए हैं। बेसन ब्राउन हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। इसको रख दे रही हूँ। अब ये सब हम सिल पे पीसेंगे बेसन में मिलाने के लिए। हम पीसने मिक्सर में नहीं पीसा जाएगा क्योंकि थोड़ा सा है। ये पिसा गया है। अब इसमें हम बेसन को मिलाएंगे दोनों को। हल्का सा हम नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे गरम। ये देखिए इसको हम अच्छी तरीके से दोनों मिला लिए हैं। अब आटा हम सान के रखे हैं ये पहले से, थोड़ा आटा टाइट है। इसको हम भरेंगे, भर के बनाएंगे। ये देखिए आप इसमें प्याज भी मिला सकते हैं लेकिन हम नहीं मिलाए हैं अभी। इसमें थोड़ा थोड़ा हम भरेंगे। ये हम ऐसे बाटी तैयार करेंगे। हाँ देखिए इसको हम लिट्टी बना के थोड़ा सा इसको तावा पे गरम करते हैं ताकि कुकर में रखेंगे तो चिपक जाएगा और अच्छी तरीके से पलट भी नहीं पाएंगे। अब हम इसको कुकर में रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से लिट्टी को हम खड़े कर देंगे कुकर में सभी। देखिए कुकर में हम हल्का सा तेल पहले से लगाए हुए थे रिफाइंड, बहुत हल्का सा, और उसके बाद ये लिट्टी हम खड़ी कर दिए हैं। अभी हम कुकर बंद कर दे रहे हैं। ये गैस हमने धीमा जला रखा है, इस पर रखेंगे और सीटी निकाल देंगे। अब इसको थोड़ा देर पकाएंगे। देखिए ऐसे हम बीच बीच में हिला के पका रहे हैं धीमी आँच में। अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए तेज़ आँच करके 2 मिनट सीटी लगा के थोड़ा सा फुला देंगे लिट्टी को। ये देखिए थोड़ा सा 2 मिनट हमने सीटी लगा दिया था, ये निकाल दिए। इसको हम खोल रहे हैं। इस तरीके से देखिए ये मेरा बाटी बन गया है दोस्तों। इसमें हम बिना सीटी के पकाए, इसके बाद 2 मिनट सीटी लगा दिए तो थोड़ा सा ये अंदर से जो है पक गया और फूल आया है। इसको हम ऊपर से हल्का से गैस पे सेक लेते हैं। देखिए धीमी आंच में हम सेक रहे हैं ताकि और अच्छी तरीके से पक जाए।
हाँ ये देखिए हम जो है लिट्टी को धीरे धीरे गैस पे और लाल कर रहे हैं। सारी लिट्टी पक गई है, अब निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरी कितनी अच्छी लिट्टी बनी है, आप भी इस तरह से ट्राई करिए। ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से पक गई है और एकदम सूखी हुई है। ये देखिए अंदर भी अच्छी तरीके से पक गया है। ये देखिए लिट्टी इस तरह से दोस्तों आप भी बनाइए, आधे घंटे में बनके तैयार है मेरा बाटी चोखा। और इस तरह से आप भी बनाइए और खाइए दोस्तों, बताइए कैसा लगा। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।